बच्चों ये कविता किसने लिखी है पता है? सर मैं बताता हूँ, ये कविता दार बिंद्रे ने लिखी है। नहीं बेटा। सर मैं बताता हूँ, कुवेंपू। नहीं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। नहीं बेटी। तो फिर किसने लिखी है बताइए ना सर। बच्चों ये कविता किसी बुजुर्ग ने नहीं लिखी, वो भी तुम लोगों की तरह एक विद्यार्थी है, वो संगीत का प्रेमी भी है, वो और कोई नहीं हमारी शाला का पुराना विद्यार्थी विजय है। जो चोर घर में चोरी करके चला गया और तुम्हारे बेटे को पता ही नहीं चला। जाने दीजिए ना, बच्चा है, रात भर शायद पढ़ रहा होगा, है ना बेटा? इसीलिए तो तुम चुप रहो, मैं सब जानता हूँ ये कितना पढ़ता है। जब मैं घर पर नहीं होता हूँ तो ये अपनी धुन में खोया रहता है। हम अपने जरूरी काम से बाहर क्या चले गए, यहाँ सब सफा चट हो गया। आई एम सॉरी पापा, चोर आने वाला ये मैं जानता नहीं था। आइंदा मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाऊंगा, ट्रस्ट मी डैड। तुम्हारी जिम्मेदारी निभाना और मेरे सर पे बाल आना एक ही बात है। अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और ये संगीत वंगीत पे बाज आ जाओ। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ पापा, मैं जानता हूँ चोर जो चीजें चुरा कर गया वो बहुत कीमती थी और अपनी बड़ी मेहनत से कमाया, मैं जानता हूँ। कमाई हुई चीज खो जाए तो वो दोबारा पा सकते हो, लेकिन तुमने जो टाइम वेस्ट किया है ना वो तुम वापस कभी नहीं पा सकते हो। ये तुम्हारे पढ़ने के दिन है, तुम अपना भविष्य कहीं बर्बाद ना कर दो, मुझे इस बात की चिंता है। अगर तुम लगन से पढ़ोगे तुम्हारे हाथ में डिग्री होगी, अगर नाच गाने के पीछे दौड़ोगे ना तो फ्यूचर नहीं होगा, पढ़कर भविष्य उज्जवल बनाओ। कोई पतंग उड़ा रहा है, वो भी इंदिरा के विरुद्ध, अब पता नहीं क्या होगा। सर जयराज गैंग और इंदिरा गैंग की टक्कर होने वाली है सर, गैंगवार होने की आशंका है सर, दोनों ने साथ में पतंग उड़ाई है सर। इन लोगों के बीच दंगा कभी भी शुरू हो सकता है। मारने दो उन्हें। सर भयंकर खून खराबा हो सकता है, इससे हमारा ही फायदा होगा। वो कैसे सर? दोनों गैंग के बीच लड़ाई होगी, जब एक गैंग हार जाएगी तो दूसरी गैंग से निपटना काफी आसान होगा। पर सर ऐसे तो उन्हें लड़ मरने दो, इन पर हम बाद में आएंगे। ठीक कह रहे हैं सर। इस एरिया का शेर है इंदिरा, इस इंदिरा से टकराने चला था तू, आज मैंने तेरा गेम बजाया है, कल तेरे भाई का गेम बजाऊंगा। सर जयराज के आदमियों ने इंदिरा के खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया है सर, आप इस मामले में हम पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे सर। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं आपसे सब कह रहा हूँ। रामकृष्ण आप एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर हैं ये सब जानते हैं, लेकिन जयराज के कंप्लेन को आप इतना सिंसियरली क्यों ले रहे हैं? वो कोई नेशनल लीडर है क्या? आप सही कह रहे हैं सर, वैसे इंदिरा कौन सा लीडर है, समाज के प्रति उसका क्या योगदान है? After all, he is inherited rowdy. मिस्टर रामकृष्ण, पता नहीं आप इंदिरा के बारे में कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। बी काम एंड कूल। सर इंदिरा जैसे गुंडे को मिटाने में ही हमारे समाज की भलाई है, लेकिन आप हमें ऐसा करने देंगे क्या? आप हमारा ट्रांसफर करके हमें परेशान करते रहेंगे। फिर भी इंदिरा को अरेस्ट करके आपको प्रमोशन मिलेगा ऐसा मत समझिएगा। मुझे प्रमोशन की कोई चिंता नहीं है, लेकिन इंदिरा जैसे लोग जेल में ही होने चाहिए सर। ओके आप जा सकते हैं, आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके सर। साहब जी इंदिरा आ रहा है।
नमस्कार साहब जी। ये क्या लगा रखा है, तुम लोग एक हाथ से मर्डर करते हो और दूसरे हाथ से गड़े मुर्दे उखाड़ते हो, तुम ठीक से नहीं रह सकते क्या? हम जैसे लोगों को ऐसा ही रहना होगा, गर्दन को काट कर लोगों का खून बहाने से आप लोगों के यहाँ एंट्री मिलती है। ए इंदिरा, अगर इसी तरह चाकू छुरी कोयता चलाते रहोगे ना तो बहुत जल्द रिकॉर्डेड गुंडा कहलाओगे, लेकिन मेरी बात सुनकर चाकू छुरी कोयता बाजू में रखकर अगर डिसेंट आदमी बनोगे ना तो मैं तुम्हें स्टेट में बहुत बड़ी पोजीशन दिलाऊंगा, समझे क्या? मतलब नेता बनाओगे क्या? ए, नेता बनने के लिए खुद को बदलना होगा, सोच लो। कोशिश करनी पड़ेगी। कैसा लगा माँ? बहुत अच्छी धुन है, नेक्स्ट कंपटीशन में यही गाना गाओगे? सोच तो रहा हूँ, देखते हैं। गुड, अच्छा है। शुरू हो गया ऑर्केस्ट्रा, अगर कहीं सिग्नल पर बैठकर बजाते तो कम से कम पैसे तो मिलते। ये लो, मैं बोनी करता हूँ, रख लो। आप भी रखिए। थैंक्स। क्या जी, आप भी ना सुबह सुबह शुरू हो गए, अभी तक इसने नाश्ता भी नहीं किया। मैं इसके पीछे पढ़ो पढ़ो करके बैंड बजाता रहता हूँ और ये हमेशा ना पढ़ने का सुर लगाता रहता है और तुम भी ताल मिलाती रहती हो। अरे मगर ये थोड़ी देर गाना गा ले तो क्या जाएगा? मेरा कुछ नहीं जाता, मगर सुनने में तकलीफ होती है। ठीक है, दोनों माँ बेटे आपस में ताल मिलाते रहोगे, मैं तो चला, घर में चैन से रहने नहीं देते। नाराज मत होना। ठीक है, मुझे कॉलेज जाना है, 500 रुपए दो। अरे जब पापा दे रहे थे तो उनसे क्यों नहीं लिया? तेरा बेटा होने के नाते थोड़ा भाव तो खाऊंगा ना। जिस तरह मुझे अपना म्यूजिक प्रैक्टिस करना पसंद है, ठीक उसी तरह पापा को मुझे और मेरे म्यूजिक को कोसने में बहुत मजा आता है। देखते हैं फाइनल में कौन जीतता है। बस बस रुको, देती हूँ। माँ, तेरा बेटा बिगड़ रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा लगता है क्या? नहीं बेटा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। थैंक यू माँ, लव यू माँ। हे चोर, हे रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी, क्या बात है, इसके बाप का टेस्ट बहुत बढ़िया है, क्या नमूना पैदा किया है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। अरे अरे अरे, तो बात कम करती है, थूकती ज्यादा है। जूली, हाँ? ये मुंह खोलती है तो पिचकारी मारती है। इसका नाम मिस पिचकारी रखें क्या? यस यू आर राइट। बजाओ तालियां। हाँ, रुको, तेरा नाम क्या है? गीतांजलि। और रहती कहाँ पर हो? प्राणांजलि। प्राणांजलि? हाँ, जिसके प्राण जाने वाले हो ऐसे लोग वहीं ज्यादा रहते हैं। ठीक है ठीक है, झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? हाँ। चल अपना बैग दिखा। इधर दिखा। कैंसर फोबिया मतलब है? ये क्या होता है? किसी भी वक्त कैंसर हो सकता है। और तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता? दरअसल ये कैंसर फोबिया नाम की नई बीमारी है। आर यू सीरियस? देखिए, मरने की बात को लेके कोई ऐसा मजाक करता है क्या? चाहिए तो ये सर्टिफिकेट देखिए। देखिए, मैं मरने से नहीं डरती, जिंदगी भला क्या चीज है, मान मर्यादा ही सब कुछ है, मैं आप जैसे दोस्त चाहती हूँ। डोंट यू फील? कम ऑन, वी विल एंजॉय टुगेदर, नो मोर रैगिंग, आज हम सब खूब एंजॉय करेंगे, ओके? थैंक यू। देखा मैंने तुम सबको कैसा बेवकूफ बनाया?
मेरा नाम गीतांजलि नहीं, जानू है। जानू? मुझे रैक करने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर आओ। अरे अरे अरे, ये कौन सा है? ये चोर! ना ना! ये चोर! किधर है, किधर है? आप कहाँ पर है? पकड़ो इसे, पकड़ो! चोर, चोर, चोर! आज जो ड्रेस पहनकर वो गई है ना, मुझे पता था कि वो लेट आएगी। अरे सुनिए, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अरे आजकल के जमाने की लड़कियां सादे कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है क्या? ए मैट्रिक फेल, ये सब तुम नहीं समझोगी। आजकल के लड़के लड़कियों के पीछे पड़ते हैं उनकी ड्रेस देखकर। तुम समझती नहीं क्या? अजी, कौन सा लड़का अपनी बेटी के पीछे पड़ा रहता है ये देखने का काम है क्या आपका? और नहीं तो क्या, आखिर एक जवान लड़की का बाप हूँ मैं। देखो उसकी सब सहेलियों के फोन नंबर मुझे दो, मैं भी फोन करता हूँ। एजी जरा सब्र कीजिए ना, आपने फोन किया ये उसे पता चल गया तो उसे लगेगा कि आपको उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। हाँ करेक्ट करेक्ट। लो आ गई, आओ बेटी आओ, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ पापा, बहुत टेंशन में लग रहे हैं, मैं लेट हुई इसलिए ना? नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे पापा औरों जैसे नहीं है, ये बहुत समझदार है, मेरे बारे में कभी टेंशन नहीं लेते। ये पागल थोड़े ही है, बेटी घर लेट आए तो टेंशन तो होगा ही है ना पापा? सही है सही है। अच्छा बताओ कॉलेज कैसा लगा? आपको क्या बताऊं मैं, क्या फ्रेंड्स हैं ये सारे, हर एक फ्रेंड में अलग अलग बात थी, हर एक फ्रेंड से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ फ्रेंड्स क्लब ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब पढ़ने की बजाय तुम्हारे दोस्तों का ध्यान फालतू चीजों में ज्यादा है। पापा समझ गया समझ गया, तुम वैसी नहीं हो, लेकिन ये जमाना अब पहले जैसा नहीं रहा बेटी। पापा मैं आपको एक नई बात बताती हूँ। कौन सी नई बात बेटी? प्रिया नाम की एक लड़की थी, उसके पापा भी हमेशा ऐसे ही सवाल करते थे। उनकी बातों से परेशान होकर वो 2 महीनों से घर नहीं आई। किस लिए? मैं आपकी बातें सुनती हूँ, मतलब सब थोड़े ही सुनते हैं पापा। जेनेट की कहानी जानते हैं ना? जानता हूँ। हर एक की कहानी सुनते रहे तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटी? तो फिर चाय पी के रिलैक्स हो जाओ, जस्ट रिलैक्स पापा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैट्रिक फेल, ये कैसी बातें करने लगी है, ये आगे क्या करेगी? सुनिए जी, एक जवान बेटी के साथ जरूरी बातें ही करनी चाहिए, उसे भी तो हमारी इज्जत की फिक्र है ना। पूछताछ करके उस पर बेवजह शक मत कीजिए, समझ गए ना? बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। सही कहा तुमने, अगर मैं इसी तरह सवाल करता रहा तो वह एक दिन भाग जाएगी। मुझे लगा कि घर में कोई घुस आया है। और हमारे घर में वॉचमैन कहाँ से आया ऐसा मुझे लगा। क्या? कुछ नहीं, सारे शहर में आधी रात को घर आने वाले लड़के तुम अकेले ही होगे। सारे शहर में बेटे को चोर समझने वाले भी आप अकेले ही होंगे। क्या कहा? ओ जी, आप चुपचाप जाकर सो जाइए, नहीं तो मैं गाना गाना शुरू कर दूंगी। सरस्वती माता, चाहे आप मुझे 2-4 थप्पड़ मार लीजिए, गाना मत गाइएगा। माँ चल बेटा। एक लड़की एक बार लोफर टपोरी लफंगा या चाहे कुछ भी कह दे, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन चोर कहलाना मतलब छह। ये क्या है? है? ये चोरों से सावधान रहिए। चुप रहने से मिलाना अच्छा सबक। साला टाइम ही खराब चल रहा है। चोर ने चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर। ए, तेरी जात का मुझे चोर बोलती है? रुक, खून के बदले खून, बदला के बदले बदला। मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय पापा। बाय बाय। संभल कर जाना। ए, संभल कर जाने के लिए मत कहो, ये कहो कि लड़कों से बच कर रहे,
समझ गई ना बेटी बचकर रहने का मतलब? पापा देखो बेटी वो जी, तुम जाओ बेटी। बाय बाय। ये चिकना चेहरा तुझे चोर की तरह दिखता है, अब आएगा मजा। हेलो, अबे बुढ़ाओ निकली क्या नहीं तेरी लड़की? मैं उसका कब से इंतजार कर रहा हूँ यहाँ, वो अब तक नहीं आई इसलिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है बस। वैसे वो आ जाएगी, मेरे पास आए बिना जाएगी कहाँ? ओए चल अभी फोन रख पेट लू कहीं का। जानू डार्लिंग, तेरा एक दिन भी दीदार न करने से मेरे दिल को करार नहीं आता जानू। नहाते हुए, सोते जागते हुए, रिमोट और टीवी में हर जगह तुम्ही नजर आती हो। इसकी तो जानू आज कॉलेज में मिलते हैं। उस अमेरिकन आइटम को लाइन मत मार, कहा तब तू सुना नहीं, वो वापस अमेरिका चली गई। हाय हाय। ये क्या बच्चों, स्कूल में जाने के बजाय रंगीन कपड़े पहनकर हमारे कॉलेज में आ गए? आज के बाद हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्या स्कूल नहीं जाएंगे, किस खुशी में? अब क्या करें यार, वही यूनिफॉर्म, वही बैग, वही टिफिन बॉक्स, इन सब से पक चुके हैं। इसीलिए हम स्टाइल से तुम सब की तरह सिर्फ एक बुक अपने हाथ में पकड़कर कॉलेज आना चाहते हैं। मतलब तुम सब यहाँ कॉलेज में आओगे क्या? क्या कहा, नहीं आ सकते क्या? ओए अरे इतने छोटे हो तुम सब लोग, हाँ और हमारे कॉलेज में आओगे क्या? हम जरूर आएंगे, तुम्हें इससे क्या? हमें से क्या है, 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 हमें से क्या है? तो वो सुसाइड करेगी कहती है। उर्मी सुसाइड करती है तो मुझे इससे क्या? ओए उर्मी तो क्या, ये सुष्मिता, डायना, ऐश्वर्या सब लड़कियां वेटिंग लिस्ट में है, तो मैं क्या करूँ? एक और भी है जानू, वो अभी आती होगी, उसे भी मिलना है। जानकी क्या? हाँ तुमने उसको भी पटा लिया? ओए मैं खुद किसी को पटाने नहीं जाता, सब खुद ही मेरे पास खींची चली आती है। मेरा बदन मैग्नेट जैसा है। अरे यार मैग्नेटिक पावर रखकर तुम ऐसा क्या गुल खिलाने वाले हो? जानू को मैं हनीमून पर ले जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, शादी से पहले ही? इसी में तो मजा है यार, तुम नहीं जानते क्या? उसके माँ बाप को बिना बताए कैसे ले जाओगे? अरे उसका बाप तो बहुत बड़ा कंजूस है साला, दहेज और शादी का खर्चा बचाने के चक्कर में रहता है। जल्दी से उसकी लड़की को कोई भगा कर ले जाए और उसका पीछा छूट जाए, इस वक्त बेसब्री से इंतजार करता है साला। इसको भी सबक सिखाता हूँ। जानते हो मैं कौन हूँ? डिस्कवरी चैनल में कहीं देखा हुआ लगता है। उल्लू के बैठे, अब यकीन हो गया कि आप वही है? यू स्टूपिड। स्टूपिड ठीक है, यू किस लिए चाहिए इंजल की तरह? Will you stop this nonsense? What nonsense? You bloody nonsense. Your daddy nonsense. Your खानदान nonsense. What is this? क्या तुम चुप रहोगे? हाँ, okay. किस लिए आए हैं? वो तुम ही हो ना, जो मेरी बेटी से प्यार करते हो। ये तो मैं आपकी बेटी को बता चुका हूँ। देखो मुझे भी बताना पड़ेगा। आपको बताकर क्या फायदा? Look, you are troubling my daughter. You are mistaken. I am loving your daughter. No, you are troubling. No, loving. No, troubling. No, loving. Troubling. ओके ट्रबलिंग, क्या करोगे? तुम्हें सब बंद करना होगा। यही बात अपनी बेटी से कहिए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तो कहिए ना, मुझे इससे क्या है? क्या है? शी इज माई डार्लिंग, वो मुझसे प्यार करती है, मुझे टच करती है, और तो और बहुत कुछ करती है, प्लस हम दोनों बालिक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको इससे क्या? दिस इज टू मच।
टू मच और थ्री मच, शी लव्स मी वेरी मच। इतना सब होने के बाद लड़की का बाप आए तो क्या और माँ आए तो क्या, आई डोंट केयर। अब बस कुछ ही देर में मेरी जानू डार्लिंग यहाँ आएगी, बाद में मैं और वो हनीमून। व्हाट हनीमून, अपनी जबान बंद करो। अच्छा आप एक काम कीजिए, आज पूरा दिन कॉलेज में रहकर उसका इंतजार कीजिए, अगर बोर होने लगे तो हमारे कॉलेज का कैंपस देखिए। ओके टाटा। ला 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 ला। पापा पापा मेरी बात सुनिए, अपनी बेटी से ज्यादा किसी अजनबी की बात सुनकर मुझसे एक बार भी बिना पूछे आप मुझ पर शक करने लगे। मेरी बात सुनो बेटी, एक लड़की के बाप की तकलीफ क्या है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सच्ची बातों से ज्यादा लोग झूठी बातों पर ही विश्वास करते हैं। पापा मैं जानती हूँ आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपकी इज्जत रखूँ, कभी दाग न लगने दूँ। कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वो सब झूठ है पापा, जिसने भी ये सब किया है उसे क्या सबक सिखाना चाहिए मैं अच्छी तरह जानती हूँ। विजय कल का कॉम्पिटिशन okay, okay, जीतना ही होगा यार। विजय तुम्हारे दुश्मन यही आ रही है। हाँ दोस्तों शुरू हो जाओ। घमंडी घोड़ी है तू, इतना अकड़ती है क्यों, इतना ज्यादा ना इतरा, धरती पर ही तू चलना, नखरा बखरा ना कर, ज्यादा शान पति ना कर, नखरा बखरा ना कर, ज्यादा शान पति ना कर, ना दे तू कोई पोज, तू लूज, भाग जा चुड़ैल। भाई अगर वो नहीं माना तो अपना काम चौपट हो जाएगा। भाई आपकी आइटम का फोन आया है। मैं हूँ डार्लिंग, आ जाऊँ क्या? तुमसे मिले काफी दिन हो गए। लोगों के कहने से कभी इलेक्शन नहीं होता, जब राजनीतिक लोग चाहते हैं तभी इलेक्शन होता है। मेरी पॉलिसी भी यही है, समझ गई ना? जब मुझे जरूरत होगी तब तुझे बुलाऊंगा, बेकार में डिस्टर्ब मत करो, फोन रखो। भाई अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोलना। भाई आप जल्दी से किसी सुंदर लड़की से शादी कर लीजिए, तब आपको ये बीवी बच्चे मेरी कमजोरी नहीं बनने चाहिए। मुझे बर्बाद करने के लिए अगर कोई दुश्मन उन्हें उठाकर ले गया तो क्या करूंगा मैं, बताओ? इस इंद्रा की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो किसी को पता ना चले। भाई आप इस तरह और कब? एक इंसान मजबूर होने पर ही कमजोर होता है। हमारे पास हथियार ना हो तो चलेगा, लेकिन हमारी मजबूरी कभी किसी का हथियार ना बनने चाहिए। इस राज्य के इंटर कॉलेज संगीत स्पर्धा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। थैंक यू। क्या बात है, तुम लोगों को पसंद आया ना? थैंक्स थैंक्स, दैट्स व्हाट वी वांटेड। विजय आप लोगों ने प्लान करके प्रोग्राम दिया क्या? नो इट वाज नथिंग वाज प्लान्ड। व्हाई डिड यू यूज योर इंस्ट्रूमेंट्स? वो एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे इंस्ट्रूमेंट थोड़े बिगड़ गए थे। अच्छा, अच्छा, लेकिन हमें हर हाल में परफॉर्म करना जरूरी था। हेलो हेलो विजय, फोटोग्राफी वैसे भी ऐसे मौके पर आता नहीं है, हम ये मौका कैसे खो देते। थैंक यू सो मच। वन सेकेंड प्लीज। ओके ओके आपको भी दे रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। आपको गुड लक विजय। गुड लक विजय। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? ए व्हाई डोंट यू मेक एन एल्बम? अभी तक सोचा नहीं है। क्यों दोस्तों एल्बम बनाए क्या? वेलकम। क्यों भाई शंभू, ऑपरेटिव बैंक के फ्रॉड केस में तुम्हारे बेटे की बेल हुई ना? रामनाथ जी, आपने अपनी पत्नी को तलाक दिया ना? दे दिया सर। अच्छा किया अच्छा किया, सीट जो चाहिए थी आपको। नमस्कार बहनों। क्यों बहनों, टिकट नहीं मिला इसलिए हमारी पार्टी में आ गई हो? तुम तो छा गई हो, अच्छा डांस कर लेती हो, तुम्हारा वीडियो कल देखा था। हेलो मिस्टर, व्हाट्स योर नेम? कुमार कुमार। मेरा नाम राजा राम है। मिनिस्टर साहब का संबंधी हूँ। कैसे हो? हेलो मिस्टर, व्हाट्स योर नेम? राजेश। मेरा नाम राजा राम है। क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? आप पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते ना?
I'll join later. क्यों भाई सीताराम जी, आपकी कंपनी का लाइसेंस बना हुआ था ना, वो साइन हुआ कि नहीं? हाँ सर, सब आपकी दुआ है। क्यों भाई रघुनाथ जी, घर में ही राजनीति हो रही है, अपने ही बेटे को हराने के लिए टिकट मांग रहे हो? और नहीं तो क्या सर, बेटा जो बाप बन रहा है। ए, इनसे तो तुम ही बेहतर हो, अपने साले को हराने के लिए टिकट मांग रहे हो। मुझे भी कोई सीट देना सर। पहले पैरों पे खड़े होना सीख, राजनीति में घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चल निकल। टिकट मिलने के लिए अभी बहुत दिन बाकी है। आई एम राजा राम, हु आर यू? जरा बताओ इसे कि मैं कौन हूँ। इंदिरा भाई है, इंदिरा भाई। इंदिरा को नहीं जानता, मैं कौन हूँ नहीं जानता। इंदिरा, इंदिरा, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अंदर रखो। ये क्या, ये चाकू छुरी चलाना छोड़कर अच्छा इंसान बनने को कहा था तुम्हें मैंने अपनी पार्टी का मेंबरशिप दिया, और तुम हो कि अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आते। मेरी गुंडागर्दी की वजह से ही आप ये इलेक्शन जीते हैं, इतनी जल्दी ये बात भूल गए क्या? ए, मेरे साथ में सत्ता है और तुम मेरे साथ में हो, ये सब जानते हैं। तुम अपना ये चाकू छुरी चलाना छोड़ दो, इमेज इमेज बनाने की कोशिश करो। इमेज मेंटेन करूं या अपनी पोजीशन मेंटेन करूं, पोजीशन से ही इमेज होती है। देखो इंदिरा, मैं तुम्हारी हाई कमांड से सिफारिश करवाकर तुम्हें टिकट दिलवाकर अच्छे पोजीशन में लाना चाहता हूँ, और तुम ये क्या कर रहे हो? देखो इंदिरा, तुम्हें इलेक्शन में खड़े होने से पहले ये गुंडागर्दी मार काट इन सब से दूर होकर इमेज बनाना होगा। अब इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, क्या क्या डिटेल्स पूछते हैं तुम्हें मालूम है क्या? राजनीति जहाँ सीखनी चाहिए वहाँ सीखे बिना फालतू जगह पर जाने के कारण इस देश का ये हाल हुआ है। विजय, कोई नई हटके धुन बनाते हैं। हाँ यार, हाँ एग्जैक्टली, वो गाना याद है ना, पिछली बार की तरह। हाँ हाँ, पर उस स्टाइल में थोड़ा डिफरेंट करेंगे, कोशिश करेंगे ना, क्यों नहीं। हाँ बता, देख कल तू आना, नहीं तो मैं केक नहीं काटूंगा। ओके, तू आएगा ना? चल ठीक है, सी यू, बाय बाय। राजा सुन, तू एक काम कर। क्या करना है? सिर्फ उस ई स्ट्रिंग को थोड़ा सा कुछ डिफरेंट तरीके से कंपोज कर, वो ग्रंज स्टाइल आना चाहिए। ये तो मुश्किल है, ट्राई करके देखते हैं। ओके ओके, अच्छा चलता हूँ। बाय बाय बाय। हाँ ठीक है। विजय, हाँ जूली, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, प्लीज ड्रॉप मी होम। ओके श्योर, कम। बैठ गई ना, चल भी। क्या हुआ तुम्हें, कहाँ खोई हो? कहीं नहीं, चलो चलते हैं। दिन ब दिन ट्रैफिक का झंझट बढ़ता जा रहा है। इस रूट से घर पहुंचने में जितना टाइम लगता है, उतने टाइम में दूर कहीं जाकर घूम फिर कर घर पहुंच सकते हैं। अरे अपने बेटे को तो देखो जरा, बहुत बड़ा हो गया वो। कौन सा ब्रांड भाई? सिगरेट का। घर आने दो, आज नहीं छोड़ूंगा। बाइक पर लड़की घुमा रहा है। हाँ, टेंशन मत लेना, घर में आएगा तो बात पक्की कर लेना। तो मैं तो मजाक सोचता है। सर उठाओ तो जरा, इस तरह सर झुकाकर मेरे सामने नाटक मत करना। अब बोलो कौन थी वो? उसका नाम जूली है। उस जूली को सिगरेट पिलाने के लिए मेरी जेब खाली करोगे क्या? पापा वो मेरी क्लासमेट है, पापा हमारे ग्रुप की वो को सिंगर है। ए, सिंगर सिगरेट पीते हैं क्या? वो गोवा की रहने वाली है पापा, ये सब उनके लिए कॉमन बात है। आज उसकी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए मैंने उसे। तो तुम उसे क्या सिगरेट पिलाकर उसे लिफ्ट देना जरूरी था? पापा मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन उसे मना करने का मेरा हक भी नहीं बनता। देखो अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई के अलावा अगर तुमने और कुछ किया, समझ गए ना? इतनी छोटी सी बात को आप बड़ा क्यों कर रहे हैं पापा? क्या मेरी जेब खाली करना तुम्हारे लिए छोटी सी बात है? पापा दिस इज टू मच, इस तरह मेरी इंसल्ट मत कीजिए। क्या इंसल्ट? तुम्हारी उम्र में मेरी पढ़ाई का खर्च मैं ही उठाया करता था, मैंने अपने बाप के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया, लेकिन तुम, तुम्हारी एक चड्डी खरीदने की औकात नहीं है। दोस्तों तुम लोगों को तुम्हारे डैड रोज चिल्लाते हैं क्या? ये लो, ये भी कोई पूछने की बात है? सुबह चाहे हमारे घर में कुछ हो ना हो, बाप की गालियाँ जरूर सुनने को मिलती हैं। ये सब कॉमन है यार। अरे रे, मेरे बाप की कहानी सुनो,
उनसे जरा भी कुछ बात पूछो तो हर एक बात पर शुरू हो जाते हैं। अगर जरा सा सेंट मार लिया तो कहते हैं टाइल मारता है क्या गधे, पीछे ही पड़ जाते हैं। देखो ये सब एक बार बर्दाश्त किया जा सकता है यार, लेकिन मेरे पापा आफ्टर ऑल एक चड्डी लेने की औकात नहीं है तुम्हारी। कहा मुझे हे विजय, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की रामायण चलती रहेगी, इसीलिए तो मैंने चड्डी पहनना ही छोड़ दिया। गणेशा, गणपति, विनायक, लंबोदर, बिग बॉस, देखा ना मेरे बाप ने क्या कहा, तुमने भी सुना ना। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे ही भरोसे पर मैं कदम आगे रख रहा हूँ, अब तुम्हें ही रास्ता दिखाना होगा बस। हेलो ब्रदर, भूलना नहीं। आई ओ हाय हीरोस, यू कौन? अरे तुम। मैं क्या? यस, हर जगह पर मैं अपने असली हीरो को ढूंढते हुए आ रहा था और मुझे जिसकी जरूरत थी वो मुझे मिल गया। तुम मेरे हीरो हो। चाहिए सबको पब्लिसिटी चाहिए, प्रोडक्ट को चाहिए, इंसानों को चाहिए, इतना ही नहीं भगवान को भी पब्लिसिटी चाहिए, नहीं तो लोग उन्हें आज भी सिर्फ एक पत्थर की मूर्त ही समझ कर बैठे है। बाय द वे, डू यू नो देवदास? सडनली उसके हाथ में बोतल पकड़ने से पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाएगी, सिल्वर जुबली चले गया। ऐसा आइडिया किसने दिया पता है? आपने? नो, मेरे दादा। इनके दादा बहुत बड़े रील मास्टर थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मैट घोड़ा को एड बनाने का मतलब है ऊपर वाले को नीचे लाना। यू सी यंग मैन, ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ट्रेड सेंटर को फ्लाइट के जरिए उड़ाकर उसे तहस नहस करने के बाद हॉलीवुड के ग्रेट हीरोज की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी कोई भी फिल्म सुपर डुपर हिट नहीं हुई, लेकिन स्पाइडरमैन फिल्म के बनते ही स्पाइडरमैन मल्टी स्टोर बिल्डिंगों पर छलांग मारता गया और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। इसकी वजह क्या है जानते हो? उसने पैंट के ऊपर चड्डी पहनी हुई थी। सर, मुझे क्या करना है ये पूछते पूछते मैं यहीं पर खड़े खड़े बूढ़ा हो जाऊंगा। यू डोंट वरी गर्ल्स, कम ऑन पोज। तुम इसी तरह चड्डी में पोज देती रहोगी तो लड़कियां बेहोश होकर गिर जाएंगी। शट अप। अरे सर, आपने ऐसे लोगों को काम पर क्यों रखा? अब क्या करो विजय, सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, इसीलिए कि इस गधे के बच्चे की बहन से गलती से मेरी शादी हो गई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुम्हें पता है ना सेट पर मुझे कितना गुस्सा आता है, ऐसा दिल करता है कि किसी के कान के नीचे बजा डालूं। इसीलिए तो सुभाष घई, राकेश रोशन, प्रकाश मेहरा, फराह मेरी मार से डर कर भाग गए, लेकिन ये बेचारा मेरी मार खाकर भी पड़ा हुआ है। सर वैसे मुझे करना क्या होगा? सर वेरी सिंपल, तुम जरा आगे आओ, आगे, हाँ ऐसे, और चिपको और चिपको। हाँ, इस पोज में चड्डी में खड़े रहने से रात को फ्री हो ना? हाँ फ्री हूँ, फोन करूँगी। यहाँ क्या गुल खिला रहा है? मीटर रीडिंग कर रहा हूँ बॉस। तो वहाँ जाकर कर, जा। भूलना नहीं है? तुम जरा टेढ़ी होके दिखाओ। हाँ ठीक है। और तुम सब पूरी सेक्सी होके पोज दो। अब तुम क्यों शर्मा रहे हो? अरे अरे गर्ल्स, जरा इनका गाउन उतारो ना। अरे यार तुम हीरो हो, आओ आओ ऊपर आओ, ऊपर चढ़ो। आओ आओ, प्लीज सिट डाउन। ऐसे तेरा मीटर देख के हुआ क्या? हो गया, चली जरा। मैं अभी आता हूं। शर्माओ मत मिस्टर विजय, इधर देखो, तुमको मैंने स्पाइडरमैन की कहानी सुनाई, फैंटम की कहानी सुनाई, उस सेक्सी इमेज को तुम अपने दिमाग में पूरी तरह भर के रखो। देखो ऐसा ही एक अच्छा सा पोज दे दो, देखकर दिखाओ ना। हाँ ऐसे ही, ऐसे। ए, ये शूट कहाँ से करना है तुझे पता है ना? नहीं पता। पता होता तो आज तू इंग्लिश पिक्चर कर रहा होता। ये व्हाइट टेस्ट तू देख रहा है ना, वहाँ जाकर कैमरा ओपन कर जा। हाँ रेडी गर्ल्स, एक बढ़िया सा सेक्सी पोज देना। कॉल फॉर लाइट, नंबर प्लेट दिखा। रेडी, गेट रेडी, स्टार्ट साउंड, वन बाय वन टेक वन, एक्शन, चेंज, वेरी गुड, फंटास्टिक, ऐसे, वेरी गुड, क्या बात है। ए,
गाड़ी रोक। क्या यार, तेरे बेटे को पैंट नहीं दिला सकता क्या? वहाँ देख, बीच रास्ते में चड्डी पहन के खड़ा है, देख तो। बीच रास्ते में चड्डी में खड़े होकर मेरी इज्जत का भाजी पाला कर रहा है, वो भी जब मेरा दोस्त साथ में है। आज मैं इसको, ओह शिट, हाँ, कैसा लगा डैडी? द बेस्ट अंडरवेयर इन द सिटी, हर एक स्टाइल, हर एक साइज, कलर कलर, डिजाइन डिजाइन, हाई क्वालिटी, इंपोर्टेड क्वालिटी। एक नहीं पापा, 5 साल का स्टॉक एक ही साथ लेकर आया हूँ। कैसे? डोंट वरी, चुराया नहीं, उधार नहीं लिया, नो फेवर्स, नो ऑब्लिगेशंस, नो इंस्टॉलमेंट्स। क्या सब कमाया है मेहनत करके, जिस्म दिखाकर कमाया है? कमाल करता है, बेकार में शहर भर में अपनी नंगी फोटो लगवाई, ऊपर से कैप्शन छपवाया। क्या सोचेंगे? वेरी सिंपल डैड, आज के बाद दुनिया में कोई भी बाप बेटे को उंगली दिखाकर तुम्हारी एक चड्डी खरीदने की औकात नहीं है ऐसा नहीं कहेगा, यही ना? एनीवे, यहाँ देखिए डैड कितना स्ट्रॉन्ग और टिकाऊ है, एक साल भी घिसेंगे तो कुछ नहीं होगा। एंड डोंट वरी, आप दुबले होंगे तो भी चलेगा, मोटे होंगे तो भी चलेगा, सब साइज लाया हूँ डैड, खास आपके लिए, पहन कर मजे करो, एंजॉय डैड, आई लाइक इट। क्या किस्मत है मेरी, मैंने किस मतलब से कहा था और उसने क्या मतलब निकाला। आजकल के बच्चे ऐसे बनेंगे तो देश का क्या होगा। आप उसे समझाते क्या? हमेशा आप उसे डांटते रहते हैं, इसलिए वो आपको समझ नहीं पाया। देखिए, एक काम कीजिए, उसने बड़े प्यार से आपके लिए लाया है, उसे इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। बात क्यों नहीं कर रही हो, मन व्रत है क्या? बॉयफ्रेंड का टेंशन है। बताओ जूली, व्हाट हैपेंड? इसे भी तुम्हारी तरह ऐड करने की तमन्ना है। हाँ क्या जूली, इस तरह बोलो। ज्यादा हो गया। ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, इसी बहाने तुमने मुंह तो खोला ना। ए राजा, वो शिवा अभी अभी ज्वाइन हुआ है और कितने पैसे उड़ाता है यार, पता है हम पुराने होकर भी नहीं करते इतना। हाँ यार राहुल, सब टाइम टाइम की बात है यार। आपको नाश्ता दे देना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखिए, इसी तरह की परसेंटेज रहेगी तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपको क्या लगता है? नमस्ते सर। बोलो, खतरनाक है ये जानकर ही मैंने ऐसा रिस्क लिया। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मेरी बात छोड़ो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो
क्या होता? तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। क्यों? पता नहीं। पता नहीं मतलब? दरअसल मेरा गाना यहाँ कैसे बज रहा है ये सोचकर मैं तुम्हारे घर की दीवार पर चढ़ा, पर तुमने मुझे चोर क्यों कहा? मैंने तो अनजाने में ऐसा कहा, पर बदले में तुमने क्या किया जानते हो ना? मेरे घर में घुसकर मेरे कमरे में तुम्हारी तस्वीरें लगाकर मेरे पापा को भड़काया, ऐसा क्यों किया तुमने? Anyway, मैंने जो कुछ किया उसके लिए I'm really sorry. तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिशन में तुम हिस्सा ना ले सको इसीलिए तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़कर मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, लेकिन तुम्हारी जीत पर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी गलती के लिए I'm sorry. सर सर, इस बार मेरा टिकट में पक्का ही समझू ना। एक काम चोर कहीं के, एक बार कहने से समझ में नहीं आता क्या? 10 सालों से इनसे मैं अपने लिए MLA का टिकट मांग रहा हूँ लेकिन नहीं दिया, अब तुम नाटक कर रहे हो, ये भी कोई बात हुई? 20 लाख रुपए देकर 10 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक पैसा भी नहीं मिला, टिकट भी नहीं मिला, अब क्या भरोसा करूं? देसाई, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि हमारे साहब को इस बार भी सीएम की कुर्सी दिला दे। और क्या साहब जी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे मिनिस्टर बनाएंगे। सर, इस बार कैबिनेट मीटिंग में मुझे एक मेडिकल कॉलेज अप्रूव करवा दीजिए ना सर। कब कब किसको किसको क्या क्या देना है मुझे सब मालूम है, तुम जाओ यहाँ से। थैंक यू सर। नमस्कार साहब जी। आओ भाई आओ, देखो यहाँ मौजूद सभी लोग टिकट के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुमको भी टिकट चाहिए तो टिकट पाने के लिए तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे, बुरे काम छोड़ देने होंगे। तो क्या करूँ, पेपर में अपने बारे में आर्टिकल छपवाऊं क्या या फिर बायोग्राफी छपवाऊं? पेपर में आर्टिकल छपवाने से पहले तुम्हें कुछ अच्छे काम करने होंगे, जनता को यह समझाना होगा कि तुम सुधर गए हो, समझ गए ना? देखो भाई, बहुत सी पार्टियां फैमिली वोटर्स को आकर्षित करती हैं, औरतों को साड़ियां देती हैं, जेवरात देती हैं और मर्दों को रुपए देती हैं, शराब पिलाती हैं, लेकिन तुम जानते हो स्टूडेंट को हासिल करना होगा, स्टूडेंट तुम्हें अच्छा आदमी समझे ऐसा बर्ताव करना होगा, समझ गए ना भैया? समझ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय लता। गुड मॉर्निंग। हाय स्वीटी। नमस्ते। नमस्कार। मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं। आप भूल गए होंगे मगर मैं नहीं भूला। इंदिरा। ये लीजिए गुरु दक्षिणा। ये मुझे किस लिए? आपके कॉलेज के जरिए मेरी लाइफ को एक अच्छा ब्रेक मिल रहा है। देखिए, आपके कॉलेज में मेरे सामान में कार्यक्रम रखिए, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, इसके बारे में दो चार बातें कीजिए। और वो कहते हैं ना, गुड बॉय गुड गर्ल, क्लेवर बॉय क्लेवर गर्ल, ऐसा कहकर सभी विद्यार्थियों को अवार्ड दीजिए। कार्यक्रम का सारा इंतजाम मैं करूँगा। क्या हुआ? क्यों समझ में नहीं आई क्या? फिर से समझाऊं क्या? नहीं तो फिर इस इंदिरा ने एक बार जो कहा वो होना ही चाहिए, समझे? नमस्ते, कार्यक्रम में पहुंच जाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हमारे कॉलेज के वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आए हुए हैं समाज सुधारक नव युवा नायक श्रीमान इंदिरा जी। ये हमारे कॉलेज के विद्यार्थी भी रह चुके हैं, ये आपको बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इंदिरा जी, कॉलेज के दिनों में हर एक विषय में वो बहुत गहराई से उतरकर दिलचस्पी लेने वाले एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। वो आज हमारे कॉलेज के उत्तम विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों को पुरस्कार देने के लिए वो यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आइए हम उनका तालियों के साथ स्वागत करें। इनमें हम एक बहुत ही अच्छे नायक के गुण देख रहे हैं, जिस तरह कीचड़ में कमल खिलता है
उसी तरह हर बुराई को अच्छाई में बदलते हुए इंदिरा जी ऊंचे मकाम पर पहुंच गए हैं। हमारे कॉलेज के इस साल के अति उत्तम विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों को पुरस्कार देकर गौरव देने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक बार फिर तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। इस साल की अति उत्तम विद्यार्थिनी जानकी को चुना गया है। बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड विनर जानकी, वेलकम। Yes. मैं खास तौर पर कुछ जरूरी बातें कहना पसंद करूंगी। मेरी प्रतिभा को पहचान कर मुझे इस साल की अति उत्तम विद्यार्थिनी चुनने वाले महानुभावों को मेरा अभिनंदन और इस मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। मुझे इस साल की बेस्ट स्टूडेंट कहलवाने में बेहद खुशी हो रही है, लेकिन ये अवार्ड कुछ खास लोगों के हाथों, लोगों को जीवन दान देने वाले डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या देश की रक्षा करने वाले जवान मेरे हाथों में सर्टिफिकेट रखकर ऑल द बेस्ट कहेंगे, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन यहाँ कोई और ही आया है, इंदिरा। हमारे कॉलेज में आने के लिए पुलिस भी एक बार सोचती है। ऐसे में लोगों को हर पल डराने वाले, भ्रष्ट राजनेताओं के लिए काम करने वाले हमारे समाज को अपनी उंगली पर नचाने आए हैं क्या, या गुंडागर्दी की संस्कृति को पैदा करने के लिए आए हैं? युवा जनता, इस देश का भविष्य हमारे हर एक सपने को साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, और ये हम जैसों के सामने मान मर्यादा की बात करते हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, शायद मान मर्यादा के बारे में पता भी नहीं होगा। प्रिंसिपल साहब से क्षमा चाहूंगी, लेकिन ऐसे लोगों को कॉलेज के पवित्र परिसर में आने की परमिशन कौन देता है? इतनी आसानी से प्रवेश मिल गया, ये कॉलेज कोई विधानसभा है या लोकसभा है? और मैं इनके हाथों एक उत्तम विद्यार्थिनी की पदवी स्वीकार करूं? क्या इस पल के लिए मेरे माँ बाप ने इतने साल इंतजार किया? क्या यही हमारे भाग्य में होना चाहिए, या इतनी मुश्किल से हासिल की हुई हमारी डिग्रियाँ इन गुंडों के हाथों से स्वीकार करना? याद देने वाले हमारे गुरुओं को भूलकर ऐसे लोगों के आगे हम हाथ फैलाएंगे? अवार्ड लेने वाले में जितनी काबिलियत होनी चाहिए, उतनी ही काबिलियत देने वाली में भी होनी चाहिए। मैं उत्तम विद्यार्थिनी ना कहलाऊं तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे लोगों से मुझे सम्मानित नहीं होना है। अगर मुझे इस कॉलेज का कोई विद्यार्थी सम्मानित करे, मैं खुशी से स्वीकार करूंगी। अब कहिए, आप में से किसी को भी मेरी ये बातें गलत लगी हो तो मैं इनसे सम्मानित होने के लिए तैयार हूँ। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें ऐसा नायक मिले। मिस जानकी, यस, आजकल हो रहे क्राइम को लेकर बहुत से लोग डरे हुए हैं, और ऐसे में आपने एक गुंडे को सबके सामने बेइज्जत किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? या फिर इंदिरा का विरोध करने की कोई खास वजह तो नहीं? नथिंग, एक स्टूडेंट होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज, या फिर डर लगता है? डरना उन लोगों को चाहिए जो अन्याय करते हैं।
जो लोगों को डरा धमकाकर उनकी जिंदगी से खेलते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। भाई इसे छोड़ना नहीं चाहिए भाई, मैं अभी इसे सबक सिखा कर आता हूँ भाई। सिर्फ वार नहीं करेंगे भाई, इस पर पेट्रोल फेंक कर इसे जिंदा जला देंगे। इसके तो टुकड़े कर देने चाहिए। आप बस ऑर्डर दीजिए। अरे भाई बड़ी मेहनत से मैंने तुम्हें इस लेवल तक पहुंचाया है, कम से कम अब तो सुधर जाओ। वायलेंस छोड़कर पॉलिटिक्स में सेटल होने के लिए मैंने तुम्हें कॉलेज फंक्शन का आइडिया दिया, और तुम हो कि उस लड़की ने गुस्से में अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम उसे मारने पर उतर आए। मुझे बेइज्जत किया वो भी एक लड़की ने, और मैं चुप रहूं। आज तक किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की मुझ पर उंगली उठाने की। तो जाओ जाओ उसका खून कर दो। खून करने के बाद जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहो। देखो भाई स्टूडेंट की पावर क्या होती है ये तुम जानते नहीं। जैसे तुम्हारे पीछे सपोर्टिस्ट है ना, उसी तरह उन लोगों के पीछे भी तुमसे ज्यादा सपोर्टिस्ट हैं। उस लड़की को जान से मारना इतना आसान नहीं है। अगर तुमने जरा भी उंगली की और उसको कुछ हो गया ना, तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। उन्हें अपने ऊपर भारी मत होने देना। अच्छी तरह सोचो। काम डाउन काम डाउन। हेलो सर। एक मिनट। हेलो। हाँ बोलो सुरेश। लव एल्बम है, बेकार में पैसे बर्बाद करते हो। हर जगह लाओ लाओ लाओ, मंदिर में लाओ, होटल में लाओ, ऑटो में लाओ, सभी लोग यही तो कर रहे हैं। यूथ फुल कंफ्यूज हो गया है। लव के अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है तो बता। ठीक है रखता हूँ, ओके बाय। हाँ बोलिए। सर वही मैंने कॉलेज में परफॉर्म। हाँ मेरे पीए ने बताया था तुम्हारे कॉलेज के कॉम्पिटिशन के बारे में। तुम भी लव एल्बम कर रहे हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरा भी। तुम भी बिना तैयारी के आए हो? नहीं सर, आई एम। बेकार में टाइम वेस्ट मत करो। अरे ये हो क्या रहा है? हमारा आई कांट टेक दिस, आई एम सॉरी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पीछे कोई नया कांसेप्ट तैयार कीजिए। हमारी प्रूफ करने तक ऐसी अड़चनें आती रहेंगी, वी हैव टू फेस इट। अगर वो ठीक से बात करे तो ना। घमंडी है साला। मुझे जैज भी नहीं चाहिए और पॉप भी नहीं चाहिए। अरे जानू वो मोबाइल फोन ऑफ करके मुझसे बात करेगा तो ही मैं कुछ बता पाऊंगा ना। ये फाइनल हो चुका है, कुछ दमदार होना चाहिए। ओके विजय इरिटेट मत हो, इंस्पायर हो। क्या इंस्पायर? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। ये वीनस ऑडियो कंपनी से आए हैं। नमस्ते बहन जी। अब हम बार बार आकर आप लोगों को परेशान करते ही रहेंगे। कोई बात नहीं, जरूर आइएगा। चलिए आइए सर, आइए। हमारी कंपनी के लिए नया एल्बम बनाने के लिए हम 5,00,000 रुपए एडवांस लाए हैं। ये लीजिए। घर में आई हुई लक्ष्मी को लेने में इतना सोच क्या रहे हैं आप? क्या हुआ, ये पैसे कम है क्या? सर एक मिनट सर। विजय सर, मेरे पिताजी, ये दोनों सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे दोस्त भी है। मैं इनसे जितना प्यार करता हूँ उतना इनसे लड़ता भी हूँ, खास करके पिताजी से। लेकिन ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं सर, फिक्र भी करते हैं। आई लव हिम। इनफैक्ट एक तरह से वही मेरी हिम्मत है सर। पापा ये सब क्या है बेटे? सर ये इन्हें। आपकी काबिलियत के लिए नहीं बल्कि आपकी अच्छाई के लिए भी हमारा प्रोत्साहन रहेगा। विजय हमें तुम पर बहुत गर्व है। मेरा बच्चा। आखिर तुम दोनों ने अपनी जिद से हमें मिला ही दिया। यहाँ कोई किसी से कम नहीं, दोनों अपनी जगह सही हैं। और नहीं तो क्या, ये पुराना जमाना थोड़े ही ना है कि कोई किसी से भी शादी कर ले। इन दोनों ने हम दोनों को जबरदस्ती मनवा ही लिया ना। हाँ?
मुझे देखकर शांत क्यों हो गए? ये गुंडा यहाँ क्यों आया? इसलिए मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, खतरे के टाइम पर ग्रीन सिग्नल दिखाता हूँ और खतरा ना होने पर रेड सिग्नल दिखाता हूँ। इस इंद्रा का कैरेक्टर ही कुछ अलग है, इतने दिन तलवार लेकर घूमता रहा, खुद को यहाँ का सबसे बड़ा राजा समझता रहा, जो मिला उसे ए ऐसा कहता था, लेकिन अब दोस्त बंधु भाई मित्र ऐसे क्या क्या शब्द मुँह से निकल रहे हैं। अब मुझे मान मर्यादा इज्जत इंसानियत की जरूरत महसूस हो रही है। सभी बुराइयों को भुलाकर मुझ जैसे पापी को बदलकर इस समाज का कितना उद्धार होगा, ये साबित कर दिखाया आपने, इस देवी ने। देखिए अगर आप उस दिन सभी के सामने मेरी आंखें ना खोलती तो आज मैं इतनी हिम्मत करके यहाँ पर आप ही के घर में आप ही के सामने आने के काबिल नहीं होता। लोग हमसे डरने के बजाय अगर हमारी इज्जत करेंगे तब जाकर ये जीवन कहीं सफल होगा। आप ही मेरी गुरु हैं, आज के बाद मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। उस लड़की की बातों से इंद्रा ने बुराई का रास्ता छोड़ दिया है, अच्छा किया, नहीं तो कल सूरज उगने से पहले इंद्रा खल्लास हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अंडरवर्ल्ड डॉन। एमजी रोड में आइसक्रीम दिलवाने को कहा तो तुम शिवानगर तक चले गए। Oh my God! क्या हुआ इंद्रा? देखा, मैंने गुंडागर्दी छोड़ दी और मेरे दुश्मनों ने मेरा ये हाल कर दिया। इंद्रा, don't worry, कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्ते। मैडम, इंद्रा ने आपके लिए भेजा है। अपना दोस्त मानकर मुझे माफ कर दो, इंद्रा। इंस्ट्रूमेंट्स इतनी आसानी से कैसे बजा लेते हो तुम? वेरी सिंपल, सभी इंस्ट्रूमेंट से मैं गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करता हूँ। तो फिर मुझे? तुम्हें म्यूजिक की तरह प्यार करता हूँ। तो फिर लड़की को लड़की की तरह, म्यूजिक को म्यूजिक की तरह कब प्यार करोगे? कह के दिखाऊं या करके दिखाऊं? इतनी हिम्मत है क्या? कहां से शुरू करूं? क्यों भाई, लगता है आप शायद गलत पते पर आए हैं। गन शॉप वहां सामने है, आपको जो चाहिए वो वहां मिलेगा। उसकी जरूरत मुझे नहीं, मुझे जो चाहिए वो यहां पर है, इसलिए मैं वो चीज चुराने आया हूं। अच्छी आपकी लॉजिक, अगर वॉल्यूम चुराओगे तो संगीत बाहर निकलेगा, समझ रहे हो क्या? दरअसल मैं आपसे संगीत सीखना चाहता हूं, सिखाओगे ना? एक वॉयलेंट आदमी को भला वॉयलिन कैसे पसंद आएगा? आप सिखाओगे तो जरूर पसंद आएगा, सिखाओगे ना? ओके।
अरे बाप रे, स्टॉप इट, प्लीज रुक जाओ। क्यों, मैं संगीत नहीं सीख सकता क्या? मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, ये संगीत जो है वो ईश्वर की देन है। छोटे नन्हे बच्चों को जब सात सुरों के रूप में माँ सरस्वती गा गा कर दिल बहलाती है, वो लोरी ही संगीत है। हमारे संगीत में बहुत से राग हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेघमल्लार नाम का एक राग है। उस राग को अगर कोई गाता है या बजाता है तो काले बादल छाकर बारिश होती है, ऐसा कहते हैं। सुना है तानसेन नाम के एक शख्स ने जब दीपक राग गाया तब दीपक अपने आप जल गए। हाँ। इतना ही नहीं, हमारे लॉर्ड कृष्णा है ना, श्री कृष्ण परमात्मा, वो अपनी बांसुरी से जब मोहन राग बजाते थे तब सारे जानवर और पंछी उनके पास आकर उनके संगीत में मग्न हो जाते थे। एंड इट्स साइंटिफिकली प्रूवन इंद्रा, संगीत से हम पेड़ पौधे उगा सकते हैं, संगीत से हम बहुत सी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं। देखा हमारे संगीत में कितनी शक्ति है। इसके अलावा संगीत में कोई भेदभाव भी नहीं होता, फिर चाहे वो हमारा इंडियन म्यूजिक हो या कोई वेस्टर्न म्यूजिक हो, सिर्फ सात सुर होने के बावजूद म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज। इसीलिए तो तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, हर एक को जो बड़ी आसानी से समझ में आती है वो एकमात्र भाषा है, संगीत, म्यूजिक। जानो, तुम आइसक्रीम की इतनी शौकीन हो, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं 5 नहीं 100 आइसक्रीम लाता। अरे तुमने तो हमारी भी आइसक्रीम खा ली। इससे शादी करने के बाद इसके लिए एक आइसक्रीम की दुकान खोल लेना। फिर भी तुम इतनी दुबली क्यों हो? Come on, okay. मैं डेविड बेकम हूँ। मैं रोनाल्डो हूँ। That's a super passing towards the goal and here is a goal. Hey, जाओ। जी भाई, अभी देखो। Hey इंद्रा, आखिरी बार कहता हूँ, 3 गिनने तक अगर तुम बाहर नहीं आए ना, तो मैं उन दोनों को भी मार दूँगा। एक, विजय। वो मेरे दुश्मन है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। इंद्रा बिल्कुल सही कह रहा है। हो सकता है जानू, बट ही इज आवर फ्रेंड, उसे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हैं? विजय, ये गुंडागर्दी की आग बहुत ही बुरी है। मैंने गुंडागर्दी छोड़ दी पर वो मुझे नहीं छोड़ेगी। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। इम्पॉसिबल इंद्रा, जो होगा देखा जाएगा। प्लीज जानू को यहाँ से ले जाओ। जानू जल्दी जाओ। विजय, 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 तुमने इसे मार दिया? नहीं, मैंने जानबूझकर। विजय, जो हुआ सो हुआ, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। परिंद्रा, हमने ये अपने आप को बचाने के लिए किया ना, इसके बारे में पुलिस को बताते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो, इसके बारे में पुलिस को बताने से वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो क्या गलती करके पुलिस से बचकर भागना ठीक होगा? प्लीज मेरी बात सुनो, तुम कहीं दूर चले जाओ, कुछ दिनों तक किसी को दिखाई मत देना, किसी सीक्रेट जगह जाकर छुप जाओ, इसका इंतजाम मैं कर देता हूँ। परिंद्रा, जानू, यहाँ जानू के बारे में तुम फिक्र मत करो, इसे सही सलामत मैं घर पहुंचा दूंगा। लाओ मुझे ये दे दो। हेलो, हाँ मैं इंद्रा बोल रहा हूँ, एक काम करोगे? हेलो पापा, मैं हूँ विजय। कहाँ हो बेटे, सुबह से दिखे नहीं। वो एक नया एल्बम कर रहा हूँ,
इसलिए। अच्छा अच्छा कैरी ऑन। पापा वो खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए क्या? नहीं पापा वो कुछ दिनों के लिए गोवा जाना है इसलिए आपकी परमिशन चाहिए थी। अच्छे काम के लिए तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। आई ट्रस्ट यू माई सन। ठीक है पापा। माँ को आप जरा समझा दीजिए कि वो परेशान ना हो। मैं उसे समझा दूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा। देखो भाई, कुछ दिन इधर ही रहने का। भाई ने अपन को यही कहा है, आराम से रहने का। इस घर में कोई और नहीं है क्या? अरे है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सारा बंदोबस्त करके रखा है, फिक्र नहीं करने का। मगर देखो भाई, एक बात है, तुम इधर से किसी को भी फोन नहीं कर सकता। मालूम क्यों? तुम्हारे घर के फोन को पुलिस टेप कर रही है। और तुम इस घर से बाहर जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो डेंजर होगा। वो इसलिए क्योंकि पुलिस वाले समझते हैं कि तुम भाई के आदमी हो। क्या? अगर तुमको कुछ चाहिए तो मैं बाहर ही हूँ, मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आराम से रहने का। ओके सर, कोई टेंशन मत लेना, मैं बाहर ही हूँ सर। नमस्कार, उदय न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में हुए मुंबई महानगर के गैंगवार में गैंगस्टर जयराज की जो हत्या कर दी गई, इस हत्या का आरोपी मोबाइल पर एल्बम बनाने वाला शख्स फेमस गायक विजय है, जो कि कहीं छुपा हुआ है। विजय की तलाश में पुलिस चारों तरफ इधर उधर छापे मार रही है। आंटी आंटी, विजय ने जयराज नाम के गुंडे को गोली मार दी आंटी, पुलिस अब उसे ढूंढ रही है आंटी। ये तुम क्या कह रहे हो? सच है आंटी। तुम सच कह रहे हो? हाँ। ओ, नहीं, 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 मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता, वो किसी का खून नहीं कर सकता। मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। हाँ लाजो, वो खून नहीं कर सकता। जो दूसरों पर अपनी जान छिड़कता है वो भला किसी की जान क्यों लेगा? ऐसा नहीं हो सकता। अबे सालों, मैंने आज तक की अपनी सर्विस में तुम जैसे कई लोगों को ठीक किया है। गैंग वॉर के समय तुम लोग भी वहीं पर थे ना? नहीं सर, गैंग वॉर नहीं हुआ था सर। ए, शट अप! बताओ जयराज को किसने मारा? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं मालूम। ए, अगर जानबूझकर झूठ बोला तो तुम सबको अंदर कर दूंगा। बताया ना साहब, बोला ना हम कुछ नहीं जानते। मारेंगे क्या? मारिए, जो करना है वो कीजिए। कमीनो, तुम लोगों का मुंह कैसे खुलवाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। विजय कुमार, फिलहाल इन्हें छोड़ दो। ए, बुलाने पर आना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? जाओ। ये लोग इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएंगे, पर्सनल रिवेंज लेने वाली कैटेगरी के लोग हैं ये। मगर इस लड़के ने जयराज को क्यों मारा? जयराज और इसके बीच आखिर संबंध क्या है? सर, यही विजय के पिता है। नमस्ते। क्यों भाई, तेरा लड़का भाग गया है इसलिए गंजा हो गया क्या? जरा इज्जत से बात कीजिए। आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आई एम सॉरी, सिट डाउन। तो मिस्टर सिटीजन, आपके लड़के ने जो काम किया है उसके लिए उसे अवार्ड दिलाऊं क्या? देखिए, पुलिस इंक्वायरी के लिए बुलाने पर आना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, इसलिए मैं चला आया। पुलिस स्टेशन में आना अगर कोई अपराध है, और आने वाले सभी अपराधी हैं, ऐसा तो नहीं ना? अच्छा बताओ, अपने लड़के को किस काम से कहाँ भेजा है? एक नया म्यूजिक एल्बम बनाने के सिलसिले में गोवा गया है। ऐसा उसी ने कहा है ना तुमसे कहने के लिए? देखिए, चाहे मैं रहूं या मेरा बेटा, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है।
तो फिर उसे इंदिरा के गैंग में शामिल होकर दूसरे गैंग के लीडर को मारने की क्या जरूरत थी, बताइए जरा। इसके बारे में कुछ नहीं जानता सर। तुम टीवी न्यूज नहीं देखते क्या? देखा। तो टीवी न्यूज देखने के बाद भी तुम कुछ नहीं जानते, ऐसा कैसे हो सकता है? टीवी न्यूज में वहाँ क्या हुआ ये दिखाया नहीं, सिर्फ इसके बारे में खबर दी है। ओहो, आपके बेटे ने कुछ भी नहीं किया है और हम आपको यूं ही झूठी खबर दे रहे हैं। मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ, मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं करेगा, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपसे। तो क्या हम भी यकीन कर लें? मैं जो जानता हूँ वही कह रहा हूँ आपसे। चलो ठीक है, उस इंदिरा से उसकी दोस्ती कब से थी? कुछ महीनों से। मिस्टर सिटीजन, जब से आपका बेटा गया है उसका कोई फोन तो नहीं आया? नहीं। और इंदिरा का? नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मिस्टर सिटीजन, अगर आपका बेटा या इंदिरा आपको फोन करता है तो आप हमें इत्तला जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगर आपने कुछ छुपाने की कोशिश की तो अंजाम जानते हो? मेरा बेटा अपराधी प्रूफ हुआ तो किसी भी हालत में मैं उसे कानून के हवाले करूंगा, एज ए सिटीजन इट्स माई ड्यूटी। लेकिन अगर अपराधी नहीं हुआ तो एक बाप होने के नाते बेटे के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। ऐसा आज्ञाकारी पिता, ड्यूटीफुल फादर, टू इन वन। अब जाइए, उसे हमारे हाथ लगने दीजिए, फिर उसका ख्याल हम खुद रखेंगे। आई सी। आपका और विजय का क्या संबंध है? आप उसे कब से जानते हैं? थाने में आकर स्टेटमेंट देना होगा। ये आप क्या कर रहे हैं सर? विजय जानकी को जानता है, सिर्फ इतनी सी बात के लिए इन्हें और इनकी पूरी फैमिली को आप पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, ये कैसा न्याय है? लुक मिस्टर, कोई भी अपराध होने पर उसकी इन्वेस्टिगेशन करना हमारी ड्यूटी है। कुछ भी हो सर, चाहिए तो मुझे अरेस्ट करके हमेशा के लिए बंद कर दीजिए सर। सर, ये अपनी जिंदगी में एक बार भी पुलिस स्टेशन नहीं गए होंगे सर। सर, ये एक इज्जतदार फैमिली है सर, अगर एक बार भी ये पुलिस स्टेशन गए तो समाज में इनकी क्या इज्जत रह जाएगी सर। मेरी बात सुनिए सर, जयराज को मैंने गोली मारी है, आप मुझे अरेस्ट करिए सर, प्लीज सर। मुझे अरेस्ट कीजिए। किसने गोली मारी है और किसे अरेस्ट करना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, हमारी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा और हम जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएंगे आपको आना होगा, अंडरस्टैंड? चलो। हाय, आई एम रीना, मैं इंद्र की बहुत खास हूँ। अच्छा है। क्यों शर्माते हो यार? माफ करना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाकर सोता हूँ। रात में तो सभी सोते हैं, अकेले सोने में बोर नहीं होता। Have a drink. नहीं, प्लीज, मुझे थकावट महसूस हो रही है। मैं Don't worry यार, तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मैं आ गई हूँ ना। Come on यार, प्लीज, ये आप क्या कर रही हैं? देखिए, आप कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप एक औरत है ये अच्छी तरह जान लीजिए। ऊपर वाले ने आपको एक अनमोल जीवन दिया है, ऐसे पवित्र नारी के जीवन को अपवित्र मत कीजिए। जिंदगी में एक अच्छा रास्ता चुनने की उम्र में ऐसे बुरे रास्ते को अपनाकर आप अपने अनमोल जिंदगी को बर्बाद कर रही है। मेरा कहना शायद आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन एक बात मत भूलिए, हमें जन्म देने वाली एक औरत है, हमें दाना पानी देने वाली ये धरती माँ भी एक औरत है। एक औरत को हम देवी का दर्जा देते हैं और आपका इस तरह मिसबिहेव करना सही नहीं लगता। देखिए, मैं जानू नाम की लड़की से बेहद प्यार करता हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही होगी।
और वैसे भी मेरे यहाँ आने की वजह आप जानती होंगी। आप चाहे तो मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ, और कुछ नहीं। देखिए, हमारे ट्रीटमेंट से ज्यादा इनके मन की परेशानी को जानकर उसे सुलझाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। अब मैं चलता हूँ, टेक केयर सर। ओके, चलता हूँ जी डॉक्टर। दूध पी लो पापा। नहीं बेटा, मेरी कुछ भी पीने की इच्छा नहीं है। मेरी एक बात मानोगी बेटा? बोलिए ना पापा। बेटा, जो इंसान तुम्हारी बातों से बदल गया, एक अच्छा इंसान बन गया, तुम्हारे पास रहकर हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहा, तुम्हारी खुशियों के लिए जो हर पल तैयार रहा, ऐसा कोई कहां मिलेगा? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा बेटी, सोच कर जवाब देना मुझे, क्या कभी अपने नाती नातियों के साथ खेलने का सुख मिलेगा? क्या यह हो सकता है मेरा नसीब ऐसा है? पता नहीं, तुम्हारे हाथ में है बेटा। विजय, तुम रो रहे हो? मैंने बहुत से मर्दों को देखा, यहाँ आने वालों ने मुझे हमेशा अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। अगर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम ये क्यों करती हो, ऐसा किसी ने नहीं पूछा और ना ही इज्जत दी, लेकिन तुमने मेरी एक औरत की तरह इज्जत की। विजय, मैं जिंदगी में कभी नहीं रोई, लेकिन पता नहीं क्यों आज रोने का मन कर रहा है। मुझ जैसी औरत की तुमने कदर की है, ऐसे भले और सच्चे इंसान के लिए मेरी भले जान ही क्यों न चली जाए, मैं सच्चाई जरूर बताऊंगी। सच्चाई? हाँ विजय, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है, तुम तो बहुत ही भोले हो। उस इंदिरा जैसे बड़े क्रिमिनल को तुमने अच्छा इंसान कैसे समझ लिया? इंदिरा ने तुम्हें अब बचाने के लिए नहीं भेजा है विजय। तो फिर तुम अपनी जानू की नजर से हमेशा दूर रहो और पुलिस की नजर में तुम एक क्रिमिनल साबित हो जाओ, इसीलिए उस इंदिरा ने तुम्हारे साथ चाल चली है। जानकी, देखो तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। माना कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत बहुत करता हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरे जीवन में खुशियाँ तुम्हारी वजह से आई हैं। आजकल तुम्हारे पिता जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी शादी करने का बहुत दबाव डाल रहे होंगे। जानकी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वेलविशर हूँ, तुम्हारा बुरा मैं कभी नहीं चाहूंगा। अपने पिता की खुशी के लिए तुम उनसे कहो कि तुम उससे शादी करोगी विद इन 24 आवर्स। किसी भी तरह तुम्हारे विजय को निर्दोष साबित करके शादी के मंडप में लेकर आऊंगा। मैं तुम दोनों की शादी हर हाल में करा कर रहूंगा। थैंक यू। एक दोस्त को थैंक्स कह रही हो? हमारी ये दोस्ती सलामत रहे, मेरे लिए यही बहुत है।
मेरी तरफ से विजय की आजादी ही तुम्हारी शादी का तोहफा है। विजय तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ, ये लो। अरे तुम बस और ट्रेन से सफर नहीं कर सकते, हर जगह तुम्हारे लिए पुलिस का पहरा लगा हुआ है। तुम्हें हर हाल में जानकी के पास पहुँचना है। अपने प्यार को बचा लो विजय। लेकिन लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। थैंक्स नीना, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। से निकल चुका है। लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट प्लीज। शिट। हेलो, लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट प्लीज, स्टॉप स्टॉप, लिफ्ट प्लीज प्लीज, लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट प्लीज 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 स्टॉप। शिट। थैंक यू। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? वेलकम। कर गया। दैट इज इंद्रा। ए नहीं निकल सकते, सब ऑटोमेटिक लॉक है। हथकड़ी पहना इसे। क्या सोच रहा है? तुम पागल हो गए हो क्या इंद्रा? ला ला ला। शब्द कर रहा है इसे, शब्द डैम कर। इंद्रा मेरी बात सुनो, इंद्रा मेरी बात सुनो। हैव यू गॉन क्रेजी? अब देख मजा। गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी। मेरी बात सुनो इंद्रा, देखो पुलिस पीछे खड़ी है। लिसन टू मी। ए गाड़ी रोको। ए गाड़ी और तेज भगा। शिट।
बस बस कमान रुको बस कमान कमान अगर इंद्र स्टॉप भी कर ए और तेज भगा भगा इंद्र ये तो क्या कर रहे हो देखो इस तरह से आ गए वो देखो इंद्र बस करो गाड़ी रुको इंद्र मैं कहता हूँ गाड़ी रुको अब गाड़ी खोल क्या हुआ क्या कर रहे हो बाहर निकल कहाँ है वो सेल में है सर उसने कुछ बताया क्या नहीं कुछ नहीं बताया सर ए, तेरा नाम क्या है सर विजय सर स्टूडेंट हो क्या हाँ सर सर एक रिक्वेस्ट है एक फोन कर सकता हूँ क्या हेलो जानू मैं विजय विजय कैसे हो तुम मैं ठीक हूँ तुम ठीक हो ना विजय हुआ क्या है विजय जानू तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो इसलिए मैंने फोन किया है हमसे धोखा हुआ है धोखा हुआ है जानू मेरी सालत की वजह इंद्रा है उस पर भरोसा मत करना जानू ही इज वेरी डेंजरस उसने हमारे साथ डबल क्रॉस किया है जानू धोखेबाज है वो उसने क्या किया जानती हो जानू ही इज अ क्रूक इसे बाहर छोड़ने से सारी बातों का पता चल जाएगा जानू जानू विजय को लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की लेकिन विजय ने सारा काम चौपट कर दिया ये
ये देखो जानू, अगर जरा सा चूक जाता तो मैं अपना हाथ गवा देता। विजय बहुत वायलेंट हो गया है, ही इज गॉन मैड। आजकल अजीब सी हरकत कर रहा है और पुलिस के सामने ऐसा करने से वो चुप बैठेगी क्या? अरेस्ट कर लेगी, और वही हुआ, वो पुलिस कस्टडी में है। जानू मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं 24 घंटे में विजय को आजाद करके तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, मगर विजय ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम हौसला रखो, मैं किसी भी तरह चाहे जो हो विजय को यहाँ लाकर ही दम लूंगा। देखो मुझसे शादी करने का नाटक जारी रखो, बाकी का सारा काम मैं संभाल लूंगा, तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा कर सकती हो। क्या हुआ जानू, तुम उस विजय की याद में कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? Shut up. Just shut up. विजय की अरेस्ट होने से पहले उसे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे। विजय जेल जाता तभी गम ना करती, पर तुम्हें मारकर उसने एक अच्छा काम किया ये सोचकर खुश होती। ओह, सब पता चल गया क्या? पता चल ही गया तो क्या हुआ, तो क्या करेगी? हाँ तुमने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। उस दिन तुमने क्या कहा था, कॉलेज में क्या भाषण दिया था? अगर ये अवार्ड डॉक्टर हो या इंजीनियर, अगर ये देंगे तो मैं खुशी से स्वीकार कर लूंगी, यही कहा था ना? इसीलिए मैंने भी तुमसे बदला लेने के लिए क्या किया पता है? हाँ? तुम और विजय जब बाइक पर जा रहे थे तब अपने आदमियों के जरिए मैंने खुद पर चाकू से वार करवाया। ए, वो आ रहे हैं, जल्दी से मार मुझे। तुम लोगों का विश्वास हासिल किया, संगीत सीखने के बहाने करीब आ गया, तुम्हारे माँ बाप के नजर में खुद को विजय से ज्यादा बेहतर कहलवाया, मैंने तुम्हें शादी के लिए राजी किया। उस दिन जब रात को जयराज ने हमला किया, विजय को गन उठाने पर मैंने ही मजबूर किया, जयराज को गोली भी मैंने ही मारी, और डर के मारे विजय समझा कि गोली उसने चलाई है। विजय की गन से गोली चली ही नहीं, पुलिस को भी मैंने ही फोन किया, विजय को शहर छोड़कर भागने पर मैंने ही मजबूर किया, सब विजय को खूनी समझते हैं। उस दिन मुझे क्या कहा था तुमने, गुंडा कहा था ना? अब तुम इसी गुंडे से शादी करोगी, सारी जिंदगी इसी गुंडे के साथ गुजारोगी। उस दिन विजय क्या कह रहा था, संगीत के तो हर राग में बहुत शक्ति है, मेघ मल्हार गाने से काले बादल छाकर बारिश होती है, और दीपक राग गाने से दीपक जलते हैं, मोहन राग गाने से सारे जानवर अपने धुन में मग्न हो जाते हैं। अब अगर और कोई राग है तो गाओ ना, वो निर्दोष साबित होकर पुलिस कस्टडी से बाहर आ जाएगा। तुम यहाँ ताता थैया करके नाचती रहो, तुम्हें यहाँ कौन सा राग आकर बचाता है ये देखते हैं। क्यों, बोलो ना, हाँ बोलो ना, बोलो, हाँ क्या हुआ? हाँ वो देखो, आज नहीं बचेगा वो। Ugh!
मुझे। आप सही वक्त पर आए सर। इन दोनों में से आप किसको चुनेंगे, इंदिरा को या विजय को? कहिए सर, कहिए। मुझे लगता है आपकी पसंद वो यंग और एनर्जेटिक आज का गुंडा विजय ही हो सकता है। मिस्टर रामकृष्ण, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होकर आपने मुझे इतना ही जाना है क्या? इंदिरा का चैप्टर क्लोज करने के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया हुआ था। उसकी गुंडागर्दी रोकने के लिए ही मैंने उसे टिकट की लालच दी थी, वरना वो तो किसी और मंत्री की मदद से गुंडागर्दी जारी रखता। इसीलिए इस गुंडागर्दी का कभी अंत हो ही नहीं पाता। थैंक यू सर। मुझे लगा कि आप इंदिरा को इनकरेज न करें, इसलिए मैंने विजय को पुलिस कस्टडी से रिहा करवाया सर। चेक पोस्ट पर हमारे जितने भी आदमी मारे गए वो सब इंदिरा के कारण हुआ, ये साबित हो गया सर। ये इंदिरा हमेशा मेरा ट्रांसफर करवाने की कोशिश करता रहता था सर, मगर मैं जहाँ कहीं भी था इंदिरा पर नजर रखे हुए था। वही आज वर्कआउट हुआ है सर। जानू 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 जानू
साइड मटो, साइड मटो, आइए सर, प्लीज। विजय सर, इंदिरा का चैप्टर क्लोज करने के लिए तुमने सरकार की बहुत मदद की है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा नाम पुलिस रिकॉर्ड में नहीं होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, भगवान तुम्हारा भला करे। कीप इट अप, गुड लक विजय। भर ले तू खुद में प्रीत की आग को, ज्योत बन के मैं बस जाऊं तुझ में। अपने दिल में बसाना दिया मुझको तू, तेरी हर यादों को अपने दिल में रखूं। जन्मों जन्मों तक तुम मेरे संग ही रहो। सच